welcome back with me in Quick and Effective Studies of Physical Education. And today we are going to continue our third unit, Yoga and Lifestyle. So, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड आसन्स एज ए प्रिवेंटिंग मेजर्स. ये सारे टॉपिक हमारे यूनिट 3 पार्ट 1 में कवर किए जाएंगे. सो लेट्स मूव टू द क्लास वेयर वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स. सो स्टूडेंट्स, योग सेल्फ डेवलपमेंट की एक बहुत पुरानी टेक्निक है और ये ह्यूमन बीइंग की आज मॉडर्न लाइफ में एक डीपेस्ट नीड भी है. योग के द्वारा हम कई तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. मोर ओवर, योग इज वेरी सिंपल टू परफॉर्म, मीन्स एवरी वन कैन परफॉर्म योग. इसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं होता, किसी तरह की कोई जाति, धर्म, एज, जेंडर, कोई भी किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं किया जाता. इवन एवरी वन कैन परफॉर्म योग. स्टूडेंट्स, योग शब्द जो है ये हमारे पास संस्कृत के वर्ड युज से आया है. योग संस्कृत के वर्ड युज से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू यूनाइट और टू ज्वाइन, मीन्स किसी चीज को जोड़ना. दिस इज योग बेसिकली. ओके, सो योग क्या है, हमारी आत्मा को हमारी अंतरात्मा के साथ मिलाता है, जोड़ता है, उसी को हम योग बोलते हैं, जो कि एक संस्कृत के वर्ड युज से आया है. ओके, सो योग की जो डेफिनेशंस है, तो नंबर ऑफ डेफिनेशंस यू विल फाइंड, बट उनमें से आपको कोई भी दो डेफिनेशंस या तीन डेफिनेशंस, जितनी आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, और विच वन डेफिनेशन यू विल फाइंड दैट इजी, वो वाली डेफिनेशन जो है वो आप कर सकते हो. तो यहां पे मैंने ये डेफिनेशंस लिया है एंड आई विल एक्सप्लेन. तो योग की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू द भागवत गीता. अब भागवत गीता में योग के बारे में क्या कहा गया है, सामतम योगा उच्चायति. सामतम योगा उच्चायति मीन्स योगा इज अ बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ द माइंड एंड बॉडी. ओके, भागवत गीता के अकॉर्डिंगली सामतम योगा उच्चायति मीन्स योगा इज अ बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ द माइंड एंड बॉडी. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है स्वामी दिगंबर जी की. स्वामी दिगंबर जी की अकॉर्डिंग योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा. जैसे हमने ये ऊपर डिस्कस किया कि योगा मीन्स यूज, यूज मीन्स यूनाइट और टू ज्वाइन. सो सेम अकॉर्डिंग टू द स्वामी दिगंबर जी, योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, मीन्स योग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा के साथ अपनी अंतरात्मा का मेल करवाते हैं, मीन्स परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मेल करवाते हैं. ओके, तो ये है हमारी डेफिनेशंस. इसके साथ हमारे पास पतंजलि, ऋषि पतंजलि जी के अकॉर्डिंगली भी एक डेफिनेशन है, दैट इज योगा इज अ चेकिंग द इंपल्सिव ऑफ माइंड, मीन्स हमें अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना कौन सिखाता है, योग सिखाता है. योग के साथ हम लोग अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं. ओके, बेसिकली योग एक स्किल है, काम करने का एक तरीका है. सो योगा इज स्किल इन वर्क, दैट आल्सो यू कैन राइट एज अ इंट्रोडक्शन मीनिंग और डेफिनेशन. ओके, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशंस. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा की इंपॉर्टेंस क्या है. तो स्टूडेंट्स, आज की जो लाइफ है ये बहुत ही भागदौड़ वाली लाइफ है. इसमें स्ट्रेस, एंग्जायटी, जिसके कारण फिजिकली, मेंटली एवरी नेक्स्ट ह्यूमन जो है वो इसमें से सफर कर रहा है. हर इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल इज इन हरी, और उसके कारण उसको एंग्जायटी, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल थकावट, मींस ये हर तरह की प्रॉब्लम्स उसको जो है वो बियर करनी पड़ती है. तो उनमें से क्या है, निकलने के लिए जो योग है ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसके साथ आप अपनी स्ट्रेस एंग्जायटी को दूर कर सकते हो. तो एक और चीज मैं यहां पे आपको बताऊंगी
कि योग जो है वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़ मरोड़ के, मींस कभी उल्टे हो गए, कभी पैर सिर के ऊपर रख लिए, हाथ टेढ़ा कर लिया, मींस ये एक्टिविटीज ही योगा नहीं है। बेसिकली योगा जो है वो हमारी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करती है, ठीक है, जिसके साथ क्या है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो हमारे अंतरात्मा के साथ मिल जाती है। बेसिकली ये योगा है। और इसी तरह हमारी जो योगा की जो हमारी इंपॉर्टेंस है हमारी आज की लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं योगा की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिड्यूस टेंशन, रिड्यूस टेंशन। हमारी आज की लाइफ बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है जिसमें हर एक को मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी नॉर्मल रहती है। पर अगर हम डेली रूटीन में अपनी इस टेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ध्यान और धारणा, अपने मन की शांति के लिए उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं, ऐसी यौगिक एक्सरसाइज है जिसके साथ हमारी जो है सारी टेंशन जो है वो ठीक हो जाती है, ओके। तो हमें ध्यान और धारणा जैसी यौगिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अपनी टेंशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। योग को डेली रूटीन में करने से, हम लोग अपनी डेली लाइफ में अगर योग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके साथ क्या है, हमारी जो है मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मेंटल शार्पनेस बढ़ती है हमारी। तो मींस योग हमें यहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प करता है। हम लोग मेडिटेटिव आसन करते हैं, ठीक है, उनसे हमें ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जिसके साथ क्या है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्लीननेस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें हमारी कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है, वो करनी है हमारी यौगिक क्रियाएं, जैसे होगी नेती, धोती, कपाल भाती। इनको अगर हम रूटीन में या वीकली अपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम यौगिक एक्सरसाइज इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो उनमें से हमारी जो क्लीनेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो भी हमारे क्लीन हो जाते हैं अगर हम अच्छे से टाइम पे नेती, धोती, कपाल भाती जैसी एक्टिविटीज को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है, ठीक है, ये ह्यूमन के कंट्रोल के अकॉर्डिंगली या उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। और हमारे सेंस ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है इसका भी टाइम टू टाइम जो है वो इंप्रूव होना जरूरी है ताकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है अच्छे से वर्क कर सके और हमारी लाइफ हेल्दी रहे, ठीक है। उसके लिए क्या है, योगिक एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूस ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आजकल एवरी नेक्स्ट पर्सन, एवरी लाइक बच्चा हो या बड़ा हो, सफर कर रहा है ओबेसिटी से, क्योंकि हमारी जो है डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ वर्क है, सिटिंग वर्क इज मोर एंड वी आर नॉट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास योगिक आसन्स है, हमें योग आसन्स करने चाहिए जिसके साथ हमारी ओबेसिटी जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चाहे स्पोर्ट्स हो या नॉर्मल एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, हर एक में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती है एक इंडिविजुअल की तो वो इंजरीज को भी अवॉइड कर सकता है, उसे इंजरीज नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम योगिक एक्सरसाइज, योगा आसन्स डेली रूटीन में करते हैं तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलैक्सेस द बॉडी बाय परफॉर्मिंग शवासन एंड मकरासन। हम लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि एज वी डिस्कस कि आजकल हर इंडिविजुअल जो है वो हरी में है, जल्दी में है कि मुझे सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, हर चीज मुझे जल्दी मिल जाए, मींस एवरीवन इज इन हरी। तो उसके कारण क्या है, वो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से ही टायर्ड होते हैं और उनको अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए उनको शव आसन, मकर आसन, मेडिटेटिव आसन जो है वो करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है
क्योर्स वेरियस डिजीजेस। तो एस वी डिस्कस्ड कि योग को अपनी डेली लाइफ में एक पार्ट देने से हमें थोड़ा टाइम अगर योग आसन डेली करते हैं तो हम अपनी जो लाइफ से ये डिजीज है इनको दूर कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ डिजीजेस आर देयर। ठीक है, कि जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई सफर कर रहा है, कार्डियो रिलेटेड डिजीजेस, बीपी लाइक हाई बीपी, बैक पेन, एस्थमा, ओबेसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ डिजीजेस आर देयर। बट अगर हम योगिक एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, तो क्या है, हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंस है योगा की। एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, दिस इज वेरी इजी टॉपिक, ओनली आपको क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और आप सारे इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है योग की। योग की इंपॉर्टेंस आपको अपने आप समझ आ जाएगी जब आपको योग का मीनिंग समझ आ जाएगा। ओके, सो होप आपको ये सारा इंपॉर्टेंस ऑफ योग समझ आ गया। आसन्स, आसन्स आर वेरियस पोजिशंस पोस्चर्स ऑफ योगा। मींस आसन हमारी बॉडी की वो पोजीशंस होती हैं जिनको परफॉर्म करने से एक इंडिविजुअल कंसंट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करता है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करता है। तो आसन जो है, अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि, आसन मीन्स स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम मीन्स पोजीशन विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसी पोजीशन को हम आसन कहते हैं, उसी पोजीशन को हम पोस्चर्स कहते हैं। ओके, आसन इज टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। जिस पोजीशन में आप बैठे हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है बैक स्ट्रेट है, ठीक है, नेक स्ट्रेट है, आप किसी तरह की डिफॉर्मिटी को नहीं वर्क करोगे, तो मींस वो सारे इसमें आते हैं, एक आसन में आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पतंजलि, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब कि एक कंफर्टेबल स्टेडी पोजीशन में आप बैठे हो उसको हम आसन कहते हैं। और वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ आसन से, हमारे पास तीन तरह के आसन है। एक आता है ध्यानात्मक आसन, एक आता है रिलैक्सेटिव आसन, एक आता है कुरेक्टिव आसन। अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन क्या, कौन से आसन होते हैं, जिस आसन में बैठ के हम ध्यान लगाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मीन्स जिस किसी आसन में बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के लिए जिस आसन को बैठ के करते हैं, हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे कौन से आसन आते हैं, हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारा पद्मासन आ गया, ठीक है, पद्मासन आ गया, सुखासन आ गया, ठीक है, हमारा स्वस्तिक आसन आ गया, मींस ऐसे आसन जो है ये हमारे ध्यानात्मक आसन में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन मींस जिन आसन में हम लोग अपनी टेंशन को रिलीज करते हैं, आफ्टर गेटिंग टायर्ड मीन्स हम थकावट के बाद जिस पोजिशन में रहना चाहते हैं वो आते हैं हमारे रिलैक्सेटिव आसन। मीन्स यहाँ पे आके हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। वो आसन कौन से आते हैं, उसमें आ जाएगा हमारा मकर आसन आ जाएगा, ठीक है, हमारा शव आसन आ जाएगा। मीन्स मकर आसन, शव आसन, ये सारे आसन जो है हमारे रिलैक्सेटिव आसन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कुरेक्टिव आसन। क्रिएक्टिव आसन के अंदर हमारे नंबर ऑफ आसन आते हैं जिसके साथ हमारी कई तरह की जो पोस्टर डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको हम जो है रिकवर करते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम वो चीजों को यूज कर सकते हैं, इन आसन को यूज कर सकते हैं। कोई डिजीज है, डायबिटीज है, एस्थमा है, ओके, देन हाइपरटेंशन है, बैक पेन है, तो कुछ आसन हमारे पास हैं जिनके साथ हम उनको क्योर कर सकते हैं, मींस उनको हम बोलते हैं कुरेक्टिव आसन। तो वो कुरेक्टिव आसन कौन से हैं, जैसे हो जाएंगे हमारे शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तान आसन, भुजंग आसन, देन हमारे पास शलभासन, मींस नंबर ऑफ आसन आते हैं। तो ये सारे हमारे पास आसन हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज, ठीक है, हमारे सिस्टम्स के ऊपर हमें डिजीज से बचाने के लिए आसन
कैसे हमें बचाते हैं। तो सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, बैकवर्ड बेंडिंग कर ली, लेफ्ट ट्विस्ट हो गया, राइट ट्विस्ट हो गया, उसके साथ क्या है हमारी जो स्पाइन के ट्विस्ट होते हैं, वेरियस ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। ये जब एक्सरसाइज हम करते हैं, चाहे वो योग की एक्सरसाइज हो, ठीक है, इनके साथ क्या है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है, एक जेंटल मसाज मिलती है उनको, हमारी स्प्लीन को, हमारे लीवर को, हमारे पैनक्रियाज को, जिसके साथ उनके काम करने की जो फंक्शनिंग है, उनकी वर्किंग है, वो इम्प्रूव होती है, जिसके साथ हमें कॉन्स्टिपेशन जो है ऐसी प्रॉब्लम से को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये आसन जो है वो बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है रेगुलर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इसके साथ क्या है हमें एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से चलता है, उसके साथ सर्कुलेशन अच्छी होती है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग ठीक हो जाती है और हमें कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। हमें बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब हम आप योगा की जो आसन है, जैसे मयूर आसन मींस पीकॉक आसन कर लिया आपने, शलभ आसन कर लिया, उसको जब हम परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करते समय हमारी जो चेस्ट है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उसके साथ हमारे जो मसल्स, इसकी वर्किंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, लंग्स की वर्किंग है वो इंप्रूव होती है, उसके साथ क्या है हमें किसी तरह की कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो है वो नहीं होती और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, चाहे कोई गेम कर रहे हो, चाहे योगा के आसन कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को करते हुए आपका क्या है फोकस जो है आपकी उस मूवमेंट के ऊपर होता है, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट के ऊपर होता है। जैसे आप योगा का आसन कर रहे हो, पश्चिमोत्तान कर रहे हो, गोमुख कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ आसन आप परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम क्या है आपका फोकस, ठीक है, आपकी ब्रीथ जो है वो कंट्रोल में होती है, आपका सारा माइंड की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी पार्ट पे होती है, कहीं मूवमेंट ना हो जाए, ठीक है। इसके साथ क्या है आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, क्योंकि बाकी सब चीजों से आपका ध्यान हट चुका होता है। तो ये क्या है, इसके साथ हम स्ट्रेस को अवे करते हैं और इसके साथ हमारा नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हमारे ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, चाहे वो योगिक हो या कोई भी एक्सरसाइज है, योग की एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांग करती हैं आपकी बोन्स को, ठीक है, प्रॉपर रेंज देती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती हैं, आपके लिगामेंट, आपके मसल्स, आपके बोन, ये सारे जो है स्ट्रांग बनते हैं। तो इस तरह से मस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका इफेक्ट होता है। इस तरह से प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस जो है, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस आपको तब होती है जब आपका ध्यान जो है आप बहुत टायर्ड हो, स्ट्रेस हो, तो जब आप वेरियस काइंड ऑफ योगिक एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे उसके साथ आपकी जो मेंटल इलनेस है उसको आप अवे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो आसन है वो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करते हैं, हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप करती हूँ आपको ये सारा का सारा टॉपिक जितना आज हमने कवर किया है वो समझ आ गया होगा। सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट आगे वेरियस आसन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम डिजीजेज उसके साथ रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक सजेशन देती हूँ आपको कि आपको इन चैप्टर से डरने की जरूरत नहीं है, मैं बाय पार्ट इन चैप्टर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी, जिसके साथ आपको बाय पार्ट्स में ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे आज हमने सिर्फ योग और आसन की इंट्रोडक्शन ही की है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।